व्हाट्स अप गाइस, आ गए हम फिर से एक बार हमारे माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में। और आज हम बनाने वाले फिर से एक नया घर, और ये घर मतलब छोटा सा होने वाला है। और अगर आपने मेरे ये दो वीडियोस नहीं देखे, मतलब ये एक घर का और ये होटल का, तो जाके जल्दी से देख लो, मैंने ये अपलोड कर दिया है मतलब। और अभी हम आएंगे हमारे ये वाले, मतलब जो अभी हम घर बनाने वाले हैं उसके तरफ। तो आज हम बनाने वाले बहुत ही छोटा सा घर, तो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। फटाफट से इसको बनाते हैं। और इसको बनाने के लिए मैं पहले तो बता दूं कि एक खाली सी जगह लो, कहीं पे घुस मत जाओ। और यहाँ पे आपने को बहुत ही ईजी है अपना घर बनाना। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करने वाला हूँ, जो हमारा वुड वाले ब्लॉक्स है उसको यहाँ पे एक दो, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो है एक यहाँ पे गैप छोड़ के दो, और इसको हम हाइट दे देंगे। तो इसको आ जाएगी हाइट हमारी ऐसी। देखो फिलहाल तो अभी हम मतलब हमारा फोकस रहेगा कि हम हमारा पहले घर का जो स्ट्रक्चर है वो कर ले। तो यहाँ पे अपने को तीन ये लगाने हैं वुड वाले, और यहाँ से हम और यहाँ पे एक दो ऐसे लगाएंगे, और यहाँ पे भी हम ऐसे। ओके तो यहाँ पे मैंने दो ब्लॉक्स लगाए, और यहाँ से दो, और फिर यहाँ पे हमारा डोर आ जाएगा। और यहाँ पे हमने तीन ब्लॉक्स लगाए, और तीन ब्लॉक्स लगाने के बाद यहाँ पे भी हमको ऐसे लगाते जाना है। और ये इसे मैंने यहाँ तक ऐसे लगा दिया है। तो ये देख सकते हैं अपना घर हो चुका है थोड़ा सा रेडी। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मतलब देखो यहाँ से हम इसको एक दो तीन चार पाँच छः, ये हो गया हमारा छः। और यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छः सात, जब तक हमारे यहाँ से ज्वाइन नहीं होता वहाँ से करेंगे हम। ओके तो इसका फाइनल रिजल्ट मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने किया है, मतलब देखो ये अब तो हमारा कुछ ऐसा हो गया है, और यहाँ पे हमारा डोर आ गया है, और यहाँ पे देखो मैंने कुछ ऐसा बनाया है। तो ये हमारा एल कुछ तो हो गया है, और यहाँ पे मैंने जगह इसलिए छोड़ी है ताकि हमारे जो कॉलम है वो यहाँ पे आ सके। तो यहाँ पे एक बार मुझे चेक करने दो, तो भाई यहाँ से इस लाइन में। ओके तो हमारा घर कुछ ऐसा बनने वाला है। और यहाँ पे देखो आपने, मतलब मैंने यहाँ पे कैसे किया है, तो यहाँ पे हमने लगाए ये पूरे वुड वाले ब्लॉक, और यहाँ पे ग्रे वाले ब्लॉक हमारे ऐसे पिलर बन के लग जाएंगे। तो ये फिलहाल तो ऐसे ही रखना है हमें, और वापस हमको आ जाना है हमारे बिल्डिंग की तरफ। तो यहाँ पे हमको क्या करना है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले तो लगा दो हमारे जो आधे वाइट वाले रहते ना ब्लॉक्स, वो ऐसे लगा दो यहाँ पे पूरे। ओके गाइज तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वाइट वाले हमारे आधे ब्लॉक्स कटे हुए रहते हैं उसको हमें ऐसे एक एक बाहर भी निकलना है, ताकि मतलब हमारा जो घर है वो मैं आपको बता सकूँ कैसे करने वाला हूँ मैं। तो ये ऐसे एक एक बाहर करके मैं इधर पूरा लगा देता हूँ पहले। ओके गाइज तो हमारा कुछ ये ऐसा लगाने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा बिल्डिंग है मतलब उसको, जो हमारे जो ग्रे वाले कॉलम्स है ना वहाँ से इसको तोड़ना है। वहाँ पे हमको एक भी मतलब जो फ्लोर है हमारा वो नहीं लगाना है। तो इसको मैं पहले तो तोड़ लेता हूँ। ओके तो तोड़ने के बाद हमारा घर कुछ ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। और उसके बाद अभी और एक काम मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। जो हमारा हमने मतलब ये बाहर लिया था ना, उसके एक ब्लॉक छोड़ के इधर ऐसे ब्लॉक लगाओ, और ऐसे लाइन में लगाते जाओ जो आपके घर का मतलब कॉर्नर होगा वहाँ से ऐसे। तो यहाँ पे देखो मेरे कुछ ऐसा है, और यहाँ पे मैंने एक एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे मैंने इसकी बॉर्डर आउटलाइन बना दी है। तो उसके लिए अभी ऐसे करूँगा मैं पहले। ओके गाइस तो आउटलाइन बना के हो गई है मेरी यहाँ पे। और अगर आपने आउटलाइन बनाई है तो उसके ऊपर और एक ऐसे डाल के यहाँ पे अपने को क्या करना है, ऐसे इसको डालते जाना है। तो यहाँ पे देखो ये कैसे लगेगा अपना। तो ये अगर आप मेरे पूरे माइनक्राफ्ट के वीडियो देखते होगे तो आपको मालूम रहेगा कि मैं क्या बताता हूँ। तो हमको इसको ऐसे करते जाना है बस। ओके गाइस तो ये अभी हमारा कुछ ऐसा हो गया है, और इसके ऊपर अभी हमको इसको भर देना है, मतलब इसको ढक दो पूरा, मतलब पूरा ये अभी मतलब हमारा फ्लोर हो गया है यहाँ पे, एंड खत्म। ओके तो फाइनल रिजल्ट कुछ हमारा ऐसा हो जाएगा। और ये होने के बाद आपने यहाँ पे देखा होगा कि हमने यहाँ पे एक जगह छोड़ी है, मतलब हमारा घर दो हिस्सों में डिवाइड किया हमने। तो यहाँ पे हमारे जो ब्लॉक है वो हमारे कुछ इसके लेवल में आ जाने के बाद, मतलब ये थोड़ा ऊपर जाएगा या इक्वली आ सकता है अपना। तो ये होने के बाद इसको पूरा भर दो। ओके तो पीछे से कुछ हमारा ये घर ऐसा लगने वाला है, और सामने से अगर देखा जाए तो हमारा घर कुछ ये ऐसा हो जाएगा। ओके तो सामने से कुछ ऐसा होने के बाद हमें इस पर कर देना है हमारे ग्लास। तो ग्लास के लिए पहले तो ये करके मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, और फिर हमारे ग्लास यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ओके फाइनली हमारे ग्लास लग गए यहाँ पे। और अभी हम हमारे घर के लिए थोड़े विंडोज भी बनाएंगे, तो इसको कर दीजिए कट। और यहाँ पे हमारी विंडो बन गई है एक, और इस साइड भी हम बनाएंगे। तो इस साइड के लिए ऐसे ये चार कट करके हम यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, और इस साइड भी हमारा कुछ ऐसे चार कट करके, तो चारों तरफ से हमारी धूप आती रहेगी, और इधर भी हमारे विंडो लग जाएगी एक। तो यहाँ पे कुछ हमारे ऐसे विंडो लग जाएंगे, और यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा एरिया है अपना। तो यहाँ पे हम मतलब एक दो तीन
इस साइड से 1, 2, 3 और बीच में इसे जगह छोड़ दो और यहाँ पे अरे ऐसे विंडो लगा दो और ऊपर जाना है अपने को। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे जो बीच वाली लाइन है उसको मतलब ऐसे जो हमारा घर है उसको एक बीच में एक ब्लॉक छोड़ो, एक ऐसे करके यहाँ पे तोड़ना है। ओके तो ये हमारे पूरे मतलब होने के बाद तुमको कुछ ऐसा मिल जाएगा देखने के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है, पर ये मतलब ई दबल ए अपना जो खुलता है मेन्यू उसमें ये दिख जाएगा, तो इसको पूरा यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। ओके तो ऊपर का ये हो गया हमारा कंप्लीट और अभी हम जाते हैं उसके अंदर, तो ये देखो यहाँ से हमारे यहाँ से भी हमारी धूप आते रहेंगे, तो हमारा घर अंदर से तो हो गया ऐसा रेडी और अभी बाहर जाते हैं। ओके तो ये घर होने के बाद हमको क्या करना है यहाँ पे और जो हमारा है यहाँ से हमको इस साइड से लेना है और यहाँ पे हमारे ब्लॉक आएंगे तो इस लेवल में हमारे ब्लॉक आएंगे और यहाँ पे भी इसको ऊपर चढ़ाओ। ओके तो ये होने के बाद हमको मतलब मेरे को पहले याद नहीं हुआ कि हमको यहाँ पे मतलब पार्किंग जैसा बनाना है, तो ये ऐसे अपने वॉल डालने के बाद यहाँ पे जो हमने ये वाला बनाया ना उसको एक्सटेंड करो थोड़ा सा। ओके तो घर को यहाँ पे मैंने बढ़ा लिया है और अभी घर को देखो मतलब ऊपर से एक बार दिखा देता हूँ, उसके वाइट वाइट है मेरे आँखों में बस पूरी रोशनी चली गई है। तो ये ऐसा हो जाने के बाद अपने को क्या करना है यहाँ पे इसके यहाँ पे खुदाई कर दो बस। ओके तो ये एरिया पूरा खाली करने के बाद हमको लगाने हैं हमारे ये जो हमने ये वाले ब्लॉक लगाए वही यहाँ पे भी लग जाएंगे। ओके तो फाइनली हमारा घर हो चुका है यहाँ पे पूरा कंप्लीट और मतलब इस होटल से कंपेयर करो तो बहुत ही छोटा घर बनाया है मैंने, और यहाँ पे हमारा लग जाएंगे ऐसे ग्रास और ये ग्रास मतलब थोड़े से पूरे इसको कवर कर दो। ओके तो फाइनली हमारा घर यहाँ पे बन चुका है और इस घर का अभी पूरा लुक देता हूँ मैं आपको। ओके तो अगर आपको ये वाला घर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर मार दीजिए, और हाँ इस वाले चैनल पे मैं पबजी के भी वीडियोस डालता रहूँगा आपसे, और मैंने अब तक शायद 3 वीडियो डाल भी चुका हूँ, तो जाके वो भी चेकआउट कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।